कैसे मेरे होटल वाले दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज और आज हम टॉपिक ले रहे हैं, अगर आपको लगता है इंग्लिश से डर और इसी डर के कारण आप लोग शिप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है और मैं शिप के इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं आपको एश्योर करता हूं अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेंगे और उस टेस्ट के बारे में जान जाएंगे जो कि आपको शिपिंग इंटरव्यू के दौरान देना होता है, तो आप इस इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ईजी टेस्ट होता है। तो चलिए, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन दबा देना, और जिन्होंने ये काम कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताते जाइए कि आपको कौन सी नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो चलिए, जो टेस्ट है, सबसे पहले मैं आपको टेस्ट का नाम बता दूं, उसे हम लोग कहते हैं मर्लिन टेस्ट। जी हाँ, मर्लिन, MERLIN, मर्लिन टेस्ट। आपने एक टेस्ट और भी सुना होगा जिसको कि हम लोग आइल्स बोलते हैं। तो आइल्स कहां पे यूज होता है हमारा, अगर आपको यूएस जाना है, यूके जाना है, तो वहां पे उस टेस्ट का आपको एग्जाम देना होता है जिसमें कि आपको बैंड के वहां के अनुसार से बैंड आने होते हैं 5.567। तो वो जो टेस्ट होता है वो काफी कठिन टेस्ट होता है जिसमें कि मतलब कि मुश्किल से ही लोग पास होते हैं, पर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां भी लोग मेहनत करते हैं, पास तो वहां भी होते हैं। तो लेकिन जो ये वाला एग्जाम है हमारा जिसको भी हम लोग मर्लिन टेस्ट बोलते हैं, ये सिर्फ शिपिंग में काम करने वाले लोगों के लिए होता है, जो भी शिप में नौकरी करना चाहते हैं ये सिर्फ उनके लिए ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको मर्लिन टेस्ट और आइल्स टेस्ट के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। तो मर्लिन टेस्ट में बेसिकली आपका, जैसे कि इसमें भी सेम वही बैंड होते हैं, चार बैंड होते हैं आपकी जो बेसिक इंग्लिश होती है वो आपसे इसमें पूछी जाती है जो कि आपके वहां पे काम में आएगी। अगर आप मान लीजिए एक कॉमी थ्री के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका जो टेस्ट होगा वो कॉमी थ्री के लेवल का होगा। अगर आप किसी मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो जो उनको क्वेश्चन आएंगे वो एक मैनेजर लेवल कहेंगे, तो आपको ये डर में नहीं रहना है। और क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन होते हैं आपके राइट रॉन्ग मैचिंग वाले होते हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि माफ कीजिएगा, वॉज और वर, यस्टरडे, बहुत ही इजी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि हम लोग पांचवीं या छठी या आप लगा लीजिए चौथी पांचवीं की जो हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ग्रामर्स होती है, सेंटेंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अगर आप कोई ये मतलब कि और अच्छे से जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं मर्लिन टेस्ट के सैंपल्स के बारे में, तो वहां पे आप वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के और क्वेश्चन आप लोग रेडी कर सकते हैं। तो आप अगर आप ये रेडी कर लें, अगर अपना 15-20 दिन अच्छे से इसको समझ लें टेंसेस क्या होते हैं हमारे, तो ये सारी चीजें आप आराम से वहां पे इंटरव्यू के दौरान आप लोग क्रैक कर जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं। क्योंकि मेरे खुद के कई सारे जो पुराने कुलीग्स या स्टूडेंट्स आप लगा लीजिए जो मुझसे जूनियर्स थे, उनको मैंने ये सारी वीडियोस दिखाई, उनको ये सब बताया, क्योंकि उनको भी लगता था कि वो लोग कभी भी मतलब कि इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि सब लोग हिंदी स्कूल से पढ़ के आए हैं, वही हम लोगों ने डिप्लोमा किया तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी वो इस समय पे शिप पे नौकरी कर रहे हैं और कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो वो क्रैक कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप भी सेम वही हैं। बस थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा, और थोड़ा कॉमन सेंस जो कि हम लोग डेली जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, वो सारी चीजें जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि आप बेसिकली कॉमी थ्री के लिए, कॉमी टू के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपसे उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मर्लिन टेस्ट के बारे में पता चला होगा क्या होता है, हो सकता है कि आप लोग इसका नाम भी पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो आगे भी शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अब हम लोगों की फैमिली 1000 हो गई है, 1000 प्लस हो गई है, मैं चाहता हूं ये फैमिली और भी तेजी से बढ़े, तो प्लीज एक आधा वीडियो वायरल कर दो मेरा भी, तो जिससे कि हम लोग और ज्यादा तेजी से बढ़े आगे। और साथ साथ मुझे कमेंट्स भी बताते जाइए नई किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।